जब एमडीकेट से फ्री होना ना, तुमने काफी अर्सा घर में रहना है, तो तुमने इतना अर्सा हम लेकर कुकिंग सीखी। अच्छा मैंने दो तीन और प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं, तो मैंने उनके ऊपर काम शुरू कर देना। यू नो क्या तमाशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप ज़ाहिर है मुहर्रम की पता है छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चे जो हैं वो अभी सो के उठे हैं, अभी मन करी नाश्ता बनाने लगी थी। तो काफ़ी अरसे के बाद ऐसा होगा कि आज हम सारे जो है ना वो सुबह मिलके जो है वो नाश्ता करेंगे, क्योंकि मलाइका जो है ना वो सुबह सवेरे अकेडमी चली जाती है तकरीबन 5:30-6 बजे तक ना सुबह के टाइम, तो वो लेट आती है। और कभी हमारा इस तरह नहीं हुआ कि हमने नाश्ता, मतलब काफ़ी अरसा हो गया तो भी हम नाश्ता मैं बनाने लगी हूँ। बच्चों ने कहा कि मामा आज हमने आपके हाथ के पराठे खाने हैं, तो अभी बस मैं किचन में ही जा रही थी, बच्चे बहरहाल जाग गए हैं। आटा तो अच्छा गूंधा हुआ है ना, इससे पराठे अच्छे बन जाएंगे, और साथ ही चाय जो है वो भी मैंने रख दी है चूल्हे। शुक्र है आप उठ गई हैं, आपने उठ के एहसान किए हम पे हैं, मेहरबानी। आप क्या खाना मैडम पसंद करेंगी? मेरे हाथ का पराठा जी, हाथों से बनता है पराठा। आलू गोभी के पराठे बना दूँ? ये कल हमने सालन बनाया था गोभी का, और मुझे इतना मज़े का लग रहा ना, मैंने खाया नहीं कल। क्यों नहीं खाया मामा हमने कल सालन? मैंने तो खाया था, काफ़ी खाया था। मैंने भी कल छोटी सी रोटी बना के खाया था, तो आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में देखी होगी मेरी छोटी सी रोटी, वो इतनी रोटी के साथ इसने खाया था। इससे बात किया, अब इस तरह कहते हैं उसको मैश कर लेते हैं आलू गोभी के, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। हमजा का मुंह धुला है, वो घंटा उसने ना ब्रश मारते रहना, वो इतना दांतों के अंदर ब्रश मारते हैं। वो कह रहा था ये जो मेरे दांत गिरने हैं ना, ये जब गिरे भी सही तो भी ये बहुत ज्यादा वाइट हो, तो ये देखो कांटे मेरा मुड़ गया है। और क्या मैश करते करते लाइट जलाई के चली गई। अब हमजा ने बेचारे ने टीवी देखना था, सो के पूछो तो तुमने टेंट लगाया होता है तुम्हारे वॉशरूम में, टूथपेस्ट की जगह टेंट है। हमजा अभी तक वॉशरूम में जी, पिछले 15 मिनट से जी जी। अब आपके लिए आलू वाले पराठों का सामान बनाते हैं बेटा, आपके लिए आलू वाले पराठे, हमजा के लिए सादा पराठा है, चिकन वाले पराठे, पता नहीं कौन कौन से वहाँ पे पराठे, 100 किस्म आलू वाले भी थे, आलू वाले भी थे लेने। जब एमडीकेट से फ्री होना ना, तुमने काफी अर्सा घर में रहना है, तो तुमने इतना अर्सा हम लेकर कुकिंग सीखी। अच्छा मैंने दो तीन और प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं, तो मैंने उनके ऊपर काम शुरू कर देना। यू नो क्या बताना पसंद करेंगी वो दो तीन प्रोजेक्ट्स? क्या नाउ द टॉप सीक्रेट है वो? ओह माय गॉड, शायद मैं अपना बिजनेस शुरू करूं तो मैं बस खाना सीखने का टाइम ही मिलेगा। अब अपनी लाइका को कुकिंग का क्या है? उस दिन अपनी लाइका ने रोटी बनाई, अपनी लाइका तवा के नीचे चूल्हा जलाना भूल गई, तो लाइका की रोटी तवे पे, बन तो गई थी ना, बन तो गई थी साग, एक दिन मलाई मामा मेंट मार लिया, वो मेजरमेंट कप इतना इसने वीडियो साथ लगाई सारी मेरी देख के, इसने बनाया मेंट मार लिया, एंड में आपके मलाई के इतने साग बनाए, इतना मलाई का अंदर पुदीना जो था ना, वो इतना एक गिलास के दृश्य पुदीना जो था वो ऐड कर दिया, मुझे तो लग ही नहीं रहा था सब राइट है, मुझे लगता पानी डाला होगा। हाँ जी मम्मा का आलू वाला पराठा जिप लॉक हो गया, आलू वाला सॉरी गोभी वाला, लाइक यू सी टू टू, इसको मैं सीखे करूंगी क्या? खाते हुए करती है वही करोगी ना, दूसरा भी हम ऐसे ही रेडी करती है, चाय रखती है, चलो रुशा जो जिसने अंडा खाना है उसके लिए अंडा बना दो, साथ खड़ी है, किसी ने भी नहीं खाना, आप तो नहीं खाएगी, पापा खाते नहीं है, और मैं भी नहीं आज खाऊंगी। तुमने आज क्या खाना? चाय खानी है, पीनी है, पराठे के साथ हमारा अंडा तो नहीं अच्छा लगेगा, स्पेशली गोभी वाले पराठे और अंडा। ओ है चाय बन गई थी ना, बेटा एसी लगे हुए हैं सेंट्रल, ऐसा कर लेना जिसमें सेंट्रल एसी, इंशाल्लाह तो ये स्पेशल बनवाना पड़ेगा, ऐसे काम सुभान अल्लाह ना बिजली ना गैस, पता नहीं इस मुल्क का क्या बनना है, 22वीं सेंचुरी है। मामा जी जल्दी करें ना, चाय बना दें, पराठा बना दें, फिर गैस आ गई, जल्दी करें, मैं बैठने जा रही हूँ, मेरा चाय और नाश्ता ले आप बैठ जाएंगी या मैं आपको जाके बिठाऊं? मिडल चाइल्ड, मिडल चाइल्ड, मिडल चाइल्ड,
मिडिल चाइल्ड आप वैसे मिडिल चाइल्ड ही नहीं अपनी कैमरा ही पकड़ रखेगा और कोई काम ना कीजिएगा। अच्छा मामा मैं बनना खुद बनाऊँ आप उड़ाता पराठा कभी देखा तुमने ऐसा पराठा कहीं पे नहीं। अरुषा भी अरुषा का भी पराठा आ गया टेस्ट करके बताओ कैसा ऐसे बंदा नाश्ता करे ना बंदा इतना ही पतला रहे जितने दरमियान में कैक्टस है बंदा पराठे खाए बंदा पतला रहे ये तो बस एक खाव ही होता है कि बंदा पराठा खाए और बंदा इतना पतला रहे। मैंने आधा बचा के रखा था कि चाय आएगी तो मैंने चाय के साथ खाऊंगी। और चलें जी नाश्ता होते ही 10 मिनट हो गए और अब हमजा को हैं नहलाते। आज मेरा दिल हमजा को कोई अच्छी सी शलवार कमीज वालेकुम अस्सलाम वियर्स नहीं मैंने तुम्हारी तरफ नहीं दिखाना सारा मेकअप है ना इसको शावर देने के बाद मैं साथ ही रख लेती हूँ। अच्छा बॉडी मिस्ट जो है आपको चिल्ड्रन की वेबसाइट से बहुत अच्छे मिल जाएंगे जितनी भी जिस तरह गर्मी होती है आपके पास से कोई पसीने की स्मेल नहीं आती 24 आवर भूल जाए आप कोई भी आपको पसीने की स्मेल आएगी। फ्रेगरेंस इसकी बड़ी स्वीट सी है बड़ी माइल्ड सी है वो बहुत शार्प वाली वो बहुत बोल्ड सी वो भी नहीं है। और इसे आपने पूरी अपर बॉडी के ऊपर अप्लाई कर लेना है शावर लेने के बाद रीजनेबल भी बहुत है आपके बजट पे भी ना काफ़ी ये जेंटल है और प्लास्टिक पैकिंग में ठीक है बहुत से आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके मिल जाएंगे। तो ये सुबह स्कूल जाते भी हमजा को मैं ये लगा देती हूँ बॉडी मिस्ट इससे जी ये होता है कि हमजा के पास से पूरा दिन स्मेल नहीं आती। इसके नाम क्या है बॉडी मिस्ट बॉडी मिस्ट शावर लेने के बाद जिस तरह आपका दिल करता है कि जेंट्स भी पता उनका दिल होता है कि वो अपनी जरा जुल्फे संवार लेना तो उन्होंने ये ऑयल रिप्लेसमेंट आप यूज कर सकते हैं जेंट्स भी कर सकते हैं लेडीज भी कर सकते हैं। और हमजा इसको रोज यूज करता है और हमजा इसको डेली यूज करता है हमजा भी करता है हम सब करते हैं ठीक है। प्लास्टिक पैकिंग में इस तरह पंप पैकिंग में मिल जाएगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं उलझे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है आपके बालों को नरिश करता है कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। और सबसे बढ़ के मलाइका जब आप स्ट्रेटनिंग करने से पहले से अप्लाई करते हो ना तो बहुत अच्छे आपके बाल जो है वो हीट प्रोटेक्टर भी एज अ हीट प्रोटेक्टर भी ये काम करता है और आपके बालों को लंबा और घना भी करता है। इस तरह आपने सिर्फ इसके एक से दो पंप्स ले लेने हैं अच्छी तरह इस तरह करके आप जेंट्स भी अपने बालों में जिस तरह लगा लें ठीक है और बड़ा अच्छे सुलझे हुए आपके बाल सारा दिन रहते हैं। फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत अच्छी है कग्गा कितने ज्यादा और इस तरह से जी आप अपने बाल सिंपल जो है वो स्टाइल कर ले इतने स्मूथ और सिल्की से आपके बाल शोखा चलो मतलब इतना सेफ है आपके बच्चे भी यूज कर सकते हैं छोटे हमजा रोज यूज करते हैं ना इसलिए। जब अच्छा कई लोग कहते हैं ना प्रमोशन के लिए जी आपको तो पैसे मिलने आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल जाते हैं यार क्या फ्री में मिले तो हम अपने बालों और मुंह पे लगाना शुरू करते हैं मतलब चलो आप देखिएगा हमजा की हमजा क्या रंग उड़ते हुए देखेंगे जब हमजा भाग के जो अपना बैग लेके आओ भाग जाओ अपना बैग लेके पढ़ने क्या तमाशा जो बैग लेके तमाशा तमुशा कोई नहीं है पढ़ने तुम्हें बहुत ज्यादा वर्क मिला हुआ है छुट्टियां ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ना नहीं है। देखो कैसे इसकी हवाइयां हो रही है सीरियस पूरा भी मलाइका का भाई है हैंड शुगर। चलो मैं कैमरा बंद कर रही हूँ हमजा जाए अपनी बुक्स लें जाए व्यूअर्स कैमरा बंद है सच्ची मुची पढ़ना है बैठ के कैमरा तो बंद है। अच्छा वो समझ रहा है कि हमने व्यूअर्स को बताना है कि हमजा पढ़ने लगा है और इसको मैंने सच्ची मुची कहा कैसे उसके रंग उड़े यहाँ पे कितना कह रहा था ये क्या अजीब तमाशा है फिर हमजा बुक्स किधर है आपकी किधर है आपका होल्डर और बुक्स। चलो 10 मिनट्स की ब्रेक ले लो 10 मिनट्स के बाद कर लेना टीवी नहीं देखना 10 मिनट्स में क्यों बेचारेगा खून सुखा दिए इधर तो मुझे नौवीं और दसवीं को मेरा ब्लॉग नहीं आएगा ज़ाहिर मुहर्रम के एहतराम में और हम सबको करना चाहिए दिल से एहतराम करना चाहिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ की थी इसका मैं लिंक लगा दूंगी और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपने 10 रास्ता लिखना और आपको 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। इस टाइम मैं इतनी थकी हुई हूँ रात को भाई आ गए थे और तकरीबन मैं सुबह ना नमाज़ पढ़ के हम लोग 5 बजे सोए हैं उसके बाद मैं पूरे 9 बजे दोबारा उठ गई थी और इस टाइम मेरा नींद से बुरा हाल है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।